हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। लास्ट वीडियो में हमने अभी पावर बीआई पाइथन के ऊपर बात की थी, और पाइथन को इंस्टॉल किया था, और हमने पाइचार्म्स को इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल हो रहा था। हमने बताया था पाइचार्म्स को कैसे यूज करना है, हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइचार्म्स जब ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करने पर ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको इस तरह से यूजर एग्रीमेंट आएगा। आप इसको कन्फर्म कीजिए एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेम स्टैटिक्स आप कर दीजिए, डॉन डॉन सेम। अब देखिए पाइचार्म आपका ओपन हो रहा है कम्युनिटी वर्जन। इसके बाद इसमें हम जब न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कुछ सेटिंग्स हमें चेंज करनी होती है, तो वो सेटिंग्स हम आपको बताते हैं। एक बार इसको ओपन होने दीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ अपना प्रोजेक्ट का नाम जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, या कभी कभी एक क्या है, अभी यहाँ दिख रहा है लेकिन हो सकता है कि आपको इस तरह से हिडन हो, तो आप इस पर क्लिक करके उसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, वर्चुअल दिख रहा है आपको, मतलब कि जो इन्वायरमेंट है वो वर्चुअल है। उसको हटा के यहाँ पे आप वर्चुअल को ना करके यहाँ पे आप सिस्टम इन्वायरमेंट आपको सिलेक्ट करना होगा। सिस्टम इंटरप्रेटर, और ये आपका आ गया यहाँ। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ जो थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके अपने लोकेशन जहाँ पे आपने पैथन स्टोर किया था, पैथन में 39 पे जहाँ है उस पैथन 39 को सिलेक्ट करके आप आराम से इसमें से ले सकते हैं। देखिए फिलहाल मेरे पास है तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा सिस्टम इरा पैथन इंटरप्रेटर आ गया यहाँ। यहाँ पे प्रीवियसली कन्फिगर इंटरप्रेटर, या यहाँ पे आपका सिस्टम इंटरप्रेटर भी आता है। अलग अलग वर्जन में अलग अलग चीज़ें होती है। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ये आपका क्रिएट हो रहा है। ये आपका पैथन, ये पाइचार्म का इंटरफेस दिखा जहाँ पे हम अपनी पैथन की प्रोग्रामिंग लिखेंगे यहाँ इस पे। तो जैसे कि मैंने बताया आपका टिप्स आता है, आप इसको डॉन शो करना चाहते हैं डॉन शो करते, या फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको देखें कि आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखें तो क्या बोल रहा है। फिलहाल मैं डॉन शो कर देता हूँ एंड इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा आ गया है पैथन का। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है कुछ प्रोग्रामिंग जो होती है, कुछ जो आपके प्रिंट होते हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेन आ गया है ऑलरेडी क्रिएट होके। उसके बाद इसमें हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ आपको सेटिंग्स पे आना है, सेटिंग्स, और सेटिंग्स पे आप मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का आ रहा है ना आपका जो थेम ब्लैक कलर का आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ब्लैक पे यूज नहीं करते हैं। तो इस ब्लैक कलर को आप जो है विंडोज़ 10 लाइट्स या हाई कंट्रास्ट तीन चीज़ों में किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज़ लाइट कर दीजिए तो विंडोज़ लाइट पे बेसिकली हम लोग इसी कलर को लेके चलते हैं तो अच्छा रहता है। यहाँ पे अब एक ही और भी है, एडिटर में आना है आपको। एडिटर में आने के बाद जनरल पे जाना है। जनरल पे आने के बाद एक चीज और भी है, चेंज फॉन्ट साइज विद माउस कंट्रोल प्लस माउस व्हील। जैसे कि हम लोग कुछ को बड़ा छोटा करने के लिए, एक्सेल में ही करने के लिए हम लोग अपने माउस व्हील का यूज़ करते हैं ना, कंट्रोल प्रेस करके माउस के बीच में जो व्हील होता है उससे अपने हम कोड को बड़ा छोटा कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको यूज इसलिए करूँगा क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो जब कोड लिखूँगा तो कोड आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो, इसलिए इसको छोटा बड़ा नहीं करूँगा। ये था हमारा कि आप कैसे पाइचार्म्स को यूज करेंगे, ये हमने वीडियो बनाया। अभी एक छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं इसके लेंथ को बढ़ाऊँगा। और किसी भी तरह की डाउट्स के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, और चैनल पर बने रहें और वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।